हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज और एक बॉम्बेल्ड ड्रॉप हुआ है ईएसएल यूरोपियन सुपर लीग केस जीत चुकी है ओवर यू एफ फीफा और कोर्ट ने रूल किया कि वो कोई भी सैक्शन नहीं कर सकते कोई भी क्लब को जो इस कंपटीशन में पार्ट लेगा एंड इट्स अ ह्यूज विन फॉर फुटबॉल बिकॉज हम देख रहे थे कि यू एफ एंड फीफा अपनी पावर अब्यूज कर रहे थे देवर सिंह की जो भी क्लब इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेगा वी विल नॉट अलाउ दम टू कंपीट इन द लीग और द यू एफ लीग बट इट वॉज जज की अंट्रर यूरोपियन लॉ के और मैं अभी फुटबॉल का रिव्यू बना रहा था बार्सिलोना वर्सिलेरिया बट दैट गोज टू हेल्प बाई ज दिस इज अज ऑल बार्सिलोना फैंस वॉन्टेड यू हेयर बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि हमारा डेट जाने वाला है मिशन एम बाप इज ऑन बाई लेट्स बी ऑन एस मिशन एम पे हाल एंड ब्रिंग ऑल दो इन दिस टीम एंड लेट्स गो फॉर द ट्रेबल बाई बार्सलोना एंड रियाल मेड्रिड कॉट ए ह्यूज डब्ल्यू बिकॉज उनको ज्यादा प्रिवेलेज होगी बाकी क्लब से बाकी क्लब ने बैक ऑफ कर लिया था जब यूएफ और फीफा ने उन अपना पॉइंट रखा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे बट बार्सलोना एंड रियाल मड्रिड स्टिक टू देर वेंशन एंड अब वो जब ग्रांट हो गया उसको परमिशन तो ऑब्वियसली दे विल है बिगर शेयर ऑफ द पाए और बाकी क्लब्स भी अब अट्रैक्ट होएंगे बिकॉज उनको पता लग गया है कि कुछ नहीं होने वाला एंड दे विल मेक मोर मैन और एक मिडल मैन हट गया फुटबॉल से फुटबॉल जितना अर्न करेगा उतना क्लब्स को जाएगा उतना प्लेयर्स को जाएगा नो मिडल मैन विल बी देयर यू जो पैसे खा रही थी बीच में हम सब क्वेश्चन कर रहे थे कि चैंपियंस लीग जीतने में इतना कम पैसे क्यों मिलता है टीम्स को और फीफा भी बक्चौदी जो कर रही थी एंड वी सॉ कि एफ और फीफा कॉम्पिटिशन्स में चेंज कर रहे थे यू एफ लीग का फॉर्मेट वो बढ़ा रहे थे ज़्यादा मैच कर रहे थे बिकॉज दे नीड मोर मनी और उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा एंड इट शोज कि उनको पता है कि उनके दिन लिमिटेड है बिकॉज अगर उनको पता था कि उनका सिस्टम इतना ही अच्छा है इतने कॉन्फिडेंट होते हो अपने सिस्टम में तो वो इतने सारे चेंजेस क्यों करते चैंपियंस लीग का फॉर्मेट अगले सीजन

ऑर्गेनाइजेशन आर ओनली मनी हंगरी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्लेयर्स कितना अर्न कर रहे हैं या प्लेयर्स की हेल्थ क्या है या जो भी है वो बस शेड्यूल हैवी करते 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 जा 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 रहे 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 हैं एंड दिस विल बी अ अवेकअप कॉल फॉर देम कि वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हर वक्त क्लब्स एंड प्लेयर्स हैव सम पावर इन दिस इट्स समथिंग डिफरेंट और वो दोनों भी डिफरेंट कर ही रहे फुटबॉल को फुटबॉल को ट्रेडिशनल रख ही नहीं रहे तो हम अपने हिसाब से डिफरेंट करते हैं फिर उनकी क्यों सुने तो आई होप की इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस दिस कॉम्पिटिशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड की क्या होता है और कब तक तो ये लीग लॉन्च होती है और कौन कौन सी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और रेल रिलीगेशन और प्रमोशन का क्या सीन होएगा एंड हाउ मच मनी ऑल दो टीम्स विल अर्न अपार्ट फ्रॉम बार्सिलोना रियल मेडिड आई होप कि सिर्फ बार्सिलोना रियल मेडिड को वो पावर ना हो एवरी क्लब इक्वल हो बट थोड़ा ज्यादा उनका शेयर होना चाहिए बिकॉज इट्स देयर आइडिया और हाँ लेकिन वो ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए कि वो जैसे यूएफ और फीफा कर रही है तो फिर फायदा है कि कॉम्पिटिशन चेंज करने का एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो और अगर कोई भी न्यूज़ और पता लगती है आई एल बी द फर्स्ट वन येयर टू शेयर इट विद यू एंड थैंक यू अगर आपने यहाँ तक मेक किया वीडियो के और ये बिल्कुल शॉर्ट uh, नोटिस पे वीडियो बनाई मैंने कुछ लिखा नहीं कोई पॉइंट्स नोट डाउन नहीं किया जस्ट टर्न ऑन द कैमरा एंड आई एम स्पीकिंग और तभी स्टर्टर भी कर रहा करूँगा बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बाय एनी मीन्स और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गो बाई आई सी इन द नेक्स्ट वन पीस आउट